ये कहते हैं ना मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, कभी आप गोरखपुर जाके देखिए वहाँ पता चलेगा। योगी जी की प्रियता बढ़ेगी और इंशाल्लाह आने वाले भी यही है। अब जो स्थिति बनी हुई सरकार की, दंगे का क्या कि जरा से झगड़े तक का नाम नहीं आता। अरे भाई हमारे घर में दो मकान आए, हम क्यों भूल जाएं योगी जी को और मोदी जी को। बीजेपी का पक्का मोल है, विकास विकास कुछ नहीं, ऐसे ही हर जगह मुसलमानों का फायदा हो रहा है। भाजपा सरकार में मकान मिल रहे हैं बिल्कुल। योगी के राज में हर चीज सुरक्षित, औरतें सुरक्षित, बच्चियां सुरक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। कैपिटल टीवी की टीम लगातार जगह जगह जा रही है और चुनावी मिजाज को टटोल रही है कि आखिर इस बार मुद्दे क्या हैं, क्या जनता के जहन में होगा जब वो वोट करने जाएगी। इस वक्त मौजूद हूं मैं सहारनपुर की शहर विधानसभा सीट पर। यहां से इस बार फिर से दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि संजय गर्ग को सपा ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। वो मौजूदा विधायक हैं सपा के और राजीव गुंबर को फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। करारी टक्कर है लेकिन जनता के बीच क्या कुछ असर है, सीधे सीधे जनता के बीच चलता हूं, तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं अंकल जी को पकड़ता हूं, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बढ़िया माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। कैसा माहौल है? बीजेपी का पक्का माहौल है, विकास विकास कुछ नहीं, ऐसे ही बढ़िया। नौकरी नहीं मिली, महंगाई बढ़ गई? कोई महंगाई नहीं बढ़ी, कोई महंगाई नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ी, आमदनी बढ़ी है। अगर लोगों महंगाई बढ़ी तो लोगों की साथ आमदनी तो बढ़ी है। क्या आमदनी बढ़ी है? मतलब कि पहले से अच्छी प्रोग्रेस हुई है, लोगों को लोग अच्छी अच्छी डेप्यूटेशन बना रखी है, अच्छी कपड़े पहनते अच्छे। वो अगर मतलब गरीब होते तो अच्छे तरह डेप्यूटेशन नहीं बन पाती। लाइट वाइट बिजली व्यवस्था कुछ ठीक है, सही सब कुछ अच्छी है। सड़क का क्या स्थिति है? सड़क आप देख लो, आप सही सड़क बनी हुई है, अच्छी बनी। आम तो नहीं लगता आसपास अब कुछ नहीं, जाम अब पहले लगता था, अब ठीक है पहले से। सपा की लहर है क्या फिर इससे? सपा की लहर? सपा की लहर नहीं, बीजेपी की। संजय गर्ग विधायक है, सपा की लहर है। क्यों है लहर बताओ? नहीं, संजय गर्ग आदमी बढ़िया है, हमारे शहर से पहले भी चुनाव जीता हुआ। और उन्होंने कुछ काम किया? ऐसा काम तो जो सत्ता में रहता है काम तो वही होता है, अब उसकी सत्ता नहीं है तो क्या काम करेगा वो पीछे से। अब केजरीवाल ने बड़ा कोशिश करा काम करने का, केजरीवाल ने बड़ी इन्हीं की बातों से पता चल रहा है कि कोई काम नहीं किया, ये कह रहे कि सरकार काम करती है। केजरीवाल ने बड़ी कोशिश करी काम करने की, लेकिन वहाँ से 5 साल से हमारे विधायक जी शहर में कहीं क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। 5 साल में कोविड में कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ उन्होंने एक कार्य किया कि अपना एक सर्टिफिकेट बनाए और सब लोगों को सर्टिफिकेट देने का कार्य किया, लेकिन किसी की मदद नहीं करी। कोई मदद के लिए सड़कों पर नहीं आए। भाजपा के कार्यकर्ता जो सड़कों पर रहे कोविड में, जो कार्यकर्ताओं ने काम किया है ना, वो काम कोई नहीं कर सकता, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के रखा। कोविड में तुम घर में रहते हो, दुकानदार है, इन्हें लॉकडाउन में पूरी इन्हें तनख्वाह तक नहीं मिली, जो 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 नहीं नहीं बढ़िया मिली, बहुत बढ़िया दी, इन्हें तन मैं इनके बीच बाजार में रहता हूँ, मेरी दुकान के बराबर में काम करते हैं, इन्हें काम नहीं, इन्हें पैसा नहीं मिला इन्हें बिल्कुल भी, ये बिल्कुल बेकार कर्मचारी है। जब वो अपने आप कह रहा है कि हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो इनके कहने से हम कैसे मान लेंगे दिक्कत परेशानी थी? आप देखिए, अगर आप केजरीवाल को काम नहीं करने दिया गया, दिल्ली के अंदर देख लो आप, मतलब जिसकी 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 सरकार है। मैं यूपी पे एग्जांपल दे रहा, संजय गर्ग पे। संजय गर्ग अगर यहाँ की सरकार, केजरीवाल तो यहाँ, अगर संजय गर्ग जी है के हाथ में कुछ तो होता ही है, बस थोड़ी कुछ भी है, उसने जितना है उसने बहुत काम करा है, नीति के लिए भी तो पैसा आता है, करा है उसने काम, ऐसे नहीं करा है। एक तो जो सड़कें बनवाई वो अभी अभी इस रोड पे देख लो आप, इस रोड पे देख लो, अशफाक उल्ला खां का चौक पास, बोमंजी रोड, अशफाक उल्ला खां का चौक पास रोड पे गड्ढे भरे, लेकिन वही 4 दिन में उखड़ गए, देख लो अभी जाके। मुस्लिम क्षेत्र भी मेरे पास है, मुस्लिम क्षेत्र जो कार्य है वहाँ पे पार्टी अच्छी है, लेकिन इसका जो निचला तबका है वो बहुत बेकार है। ये हमारे पार्षद है, नाम क्या है? नाम बताओ। नासिर हसन है मेरा नाम। अच्छा। ये हमारे पार्षद है, बहुत बढ़िया आदमी है, किशनपुरे में रहते हैं, और मैं किशनपुरे के जो है समझ लो 90% लोगों को जानता हूँ, सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो है जो निचला तबका है वो मुसलमान के नाम पे रोज दिन उत्पीड़न कर रहा है उसका। बीजेपी अच्छी लगती है बताओ मुझे? नहीं, बीजेपी तो बीजेपी पार्टी सही है, लेकिन उसका निचला तबका बेकार है। कौन सा वाला वो बताओ ना, जो जो निचले लोग हैं, जो
आप ये देखो, अरे जो मैं तो जिन लोगों के संपर्क में मैं देखता हूँ वो सब भी ऐसा ही है। राजीव गुम्बर के साथ हो ना हो ये बताओ। मैं नहीं, मैं संजय गर्ग के साथ हूँ। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है। संजय गर्ग, संजय गर्ग हमारे शहर से लगातार जीतता है यार। दंगा एक नहीं हुआ कहते हैं योगी। यहाँ पे पहले नहीं, योगी योगी जी के बिजली टाइम से योगी जी सड़क पर, योगी जी के शासन में कहाँ से दंगा हो जाएगा। जब दूध की रखवाली अपने बिल्ली को सौंप दी कि दूध का ध्यान तूने रखना है, तो फिर कहाँ से होगा। एक पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी अच्छी है, तो तुम्हें अच्छा कहना चाहिए उसको। अगर अच्छी है तो अच्छा कहना चाहिए। अच्छा है, अच्छा ही कह रहा। संजय गर्ग बढ़िया आदमी है, माननीय है वो, मुसलमान नहीं है वो। और सपाओ, पहले सुन लो, सपाओ सपाओ ये बीजेपी, राजीव गर्ग मुसलमान के लिए कोई काम नहीं कर रहा। वहाँ कोई काम नहीं कर रहा मुसलमान के लिए। काम के लिए बताता हूँ, एक मिनट। मुसलमानों के काम के लिए हमारे शहर में, हमारे जिले में जो अगर 25,000 मकान बने हैं, जो मोदी सरकार की तरफ से अपना प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के, उसमें उसमें 70% मुसलमानों के आवास मकान है। 70% मुसलमानों के पास। मुझे जाके भाई, मुझे ले जाके दिखा दो, मुझे ले जाके दिखा दो। मैं बीजेपी को वोट दूंगा, मुझे ले जाके। अजी रिकॉर्ड को नहीं मैं मानता, मैं तो कह रहा मैं चश्मदीद रहूंगा, मुझे दिखा दे। मैं, मेरे परिवार का वोट रहेगा बस, मैं तो इस बात को मानता हूँ। 101% मैंने 70 भी कम कह दिया, शायद 75 और 80% ही होंगे। मैंने 70 भी कम करे हैं। मैं तो मैं कह रहा, मुझे दिखा दो, मैं मेरे परिवार का पूरा पूरा वोट रहेगा। मैं तो गया हूँ काशीराम कॉलोनी में। ये सरकारी लिस्ट है, ये मैंने नहीं बनाई हुई। अरे भैया, अजी इसमें इसमें 150 नाम है, और 150 में से 7-8 हिंदू नाम है, बाकी सारे मुस्लिम नाम है। ये आप पढ़ो ना, सुहेल ना, मैं पढ़ूं? हाँ, सुहेल खान, सईद अख्तर, सरफराज, खलीक अहमद, जागीर हसन, महाराज दीन सिंह, नाजरा शरीफ, गोकल चंद, मोहम्मद आमिर, जहीर शरीफ अहमद, जाकिर परवेज, मोहम्मद रशीद, कागजों में ऐसा नहीं है। आसिफ जैदी, ना पैसा मिल रहा ना राशन, जिसे पे नहीं है उसे कुछ नहीं मिल रहा। इन सब के बने हुए, हैदर का, उसके पूरे परिवार का बना हुआ है। अरे भैया, एक छोटा सा उदाहरण पूछता हूँ। अभी ये दंगों की बात आई, मुलायम के राज में इसको भी पता है, ये सामने बैठा हुआ है कि दंगे हुए या नहीं हुए और कैसे कैसे हुए, और खुद इसकी दुकान भी लूटी है। मैं देखो सुन लो, हाँ आपके सामने, एक मिनट, इनकी दुकान लूटी है, मैं बता दूँ, इनकी दुकान भी लूटी है उस टाइम। लेकिन उसके बाद अब जो स्थिति बनी हुई सरकार की, दंगे का क्या कि जरा से झगड़े तक का नाम नहीं आता सामने। अब लूटने के लिए आए, लेकिन ये मेरे मेरे जो प्रेमी आदमी है इस मार्केट के, इन्होंने लूटने नहीं दी। लूटने तो आए भैया, सुनिए, इन्होंने लूटने नहीं दी, ये सच्चाई है भैया। अरे भैया सुनिए, ये सुनिए सुनिए भाई साहब, जब सपा की सरकार में इनसे पूछेगा, इनके सामने यहाँ पर लड़कियों को छेड़ते थे, यहाँ पर लड़कियों को छेड़ते थे, आगे पीछे हाथ मारते थे, ये यहाँ चीज का गुआ है। आज कोई हाथ नहीं मारता यहाँ पर, पूछे इनसे, इनके सामने मार देते। कानून का पालन, कानून का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कानून का पालन तो, कानून का पालन तो सब करते हैं, कानून का पालन तो सब करते हैं। कानून का पालन तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं कानून का पालन, ऐसा नहीं होता। जो पुलिस वाले आते थे कुछ नहीं करते थे, अब कोई छेड़ता भी नहीं। हमारे इनके आंखों के सामने की बात है, हमारी नहीं इनके भी आंखों के सामने की बात है। यहाँ पर आगे पीछे रोज हाथ मार देते लड़कियों के। और एक बात सुन लीजिए, ये जो बोले ना, एक बंदे की गाड़ी, यहाँ से तीन लड़के मोमडन के थे, पल्सर गाड़ी थी। आज भी मेरे याद है भाई साहब, उन्होंने एक लड़की को हमारे से जर्सी ली थी और ये ऐसे ही गुजरी हमारे आगे से ना, उन तीनों ने वहाँ से छेड़ा। उसके बाद ये भी शामिल थे, उन्हें हमने पेला भी बहुत था, लेकिन वो भाग गए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी भैया। सब छेड़ते थे, अच्छे बुरे बुरे लोग, सब लोग, सब 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 लोगों में शामिल है, अच्छे बुरे, अच्छे फिर भी सपा लोग, यार लड़कियों छेड़ने वाले जो, ये लाल टोपी मतलब खतरा है ना, मुस्लिम है, लड़के अच्छी, नहीं नहीं कोई खतरा नहीं, उन्हें मारा गया था, केस ही नहीं, कोई खतरा नहीं है। मैं तो ये कह रहा, मैं मेरा तो मेन ये कहना है कि कोई भी सरकार बने, चाहे योगी की बने, चाहे पहले सुन लो, लेकिन मुसलमान कहते हैं कि अखिलेश को कहते हैं मुल्ला मुलायम सिंह बोलते हैं इन्हें, लेकिन वो भी हिंदू है, लेकिन मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया आज तक। सेवकों पर गोली चलाई, इसलिए ये हैदर है। मेरे गांव में आप चलिएगा, सुन लीजिए, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? आयुष्मान कार्ड है। क्या नाम है आपका? हैदर अली जी, तुमको क्या कुछ मिला इस सरकार में? मुझे सब कुछ मिला इस सरकार में। आयुष्मान कार्ड मिला है, श्रम कार्ड में पैसे भी आए, घर भी मिला है। मेरा फ्रेंड है, बहुत गरीब रेखा में है, उसको घर भी मिला है।
अभी अभी हमारे महल में 4-5 घर जो है निर्माण हुए हैं। पहले में मुसलमानों की स्थिति बेहतर हुई या सपा में थी? छोटी मोटी हरकतें होती रहती हैं, देखो जब तक हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो सड़कों में गड्ढे थे, हर चौक पे गुंडे थे, अब सड़क भी प्लेन है और गुंडे भी प्लेन है। राशन मुसलमानों को मिल रहा, मकान जो बने मुसलमानों के बने, हिंदुओं के बता दो कौन से बने बताओ। ई श्रम कार्ड बन रहे योगी जी की सरकार में, मुसलमानों के बन रहे, हर जगह मुसलमानों का फायदा हो रहा भाजपा सरकार में। नो बता दो कौन सी गली कच्ची पड़ी मुसलमानों की? कोई भेदभाव नहीं है, ये सिर्फ अपने मन की बात है कि हम क्या सोच रहे हैं, वरना कुछ नहीं है। मनी बना, तुमने मनी बना रखा है, एक सेकंड, मुझे बताओ तुमने, आपने मनी बना रखा है, एक सेकंड मेरी सुन तो लो, पहले मेरी सुन लो, अरे मेरी सुन लो। ये सब खड़े हैं वो हैदर अली साहब है, मेरा नाम समीम अली है, समीम अली है। अच्छा देखो ये भी समीम अली, समीम है। हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बिल्कुल मस्त चल रहा है, खत्म है बिल्कुल। आप ही के उससे, और ये किसको सपोर्ट करते हैं आप? योगी जी को। पिछली बार सपोर्ट किसको किया था? पिछली बार जो है ना, जिसको भी किया गलती हो गई, ठीक है गलती हो गई, अब की बार सही हो, लाल टॉपिक खतरा गलती हो, लेकिन इस बार योगी जी, योगी जी हाँ जी, मकान मिल रहे बिल्कुल। अरे भाई हमारे घर में 2 मकान आए, हम क्यों भूल जाएं योगी जी को और मोदी जी को? भाई मेरी तुम कह रहे भाई जिस अभी है, अभी है कागज, बताओ एक सेकंड, ये जो कागजों में बताए इन्होंने, मानने की बात झूठी है, ये प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। नासिर भाई आप ना मुहर्रम अली पप्पू को जानते हो? क्या है वो? गुंडा है वो, गुंडा है वो। अरे इस तरह तो जो जो मुसलमानों को बहुत बदनाम किया है, मुसलमानों को क्यों बदनाम किया भैया? क्या नाम है उनका पार्षद, क्या नाम है? मुहर्रम अली पप्पू, गुंडा है वो, मुहर्रम अली। अच्छा गुंडा, उसने सन 2013 में झगड़ा कराया था, इनमें हमारे में इतना प्यार है, मैं इनके साथ साथ खाता हूँ, साथ उठता हूँ, साथ बैठता हूँ, इनकी तबीयत खराब थी, मैं एक हफ्ते तक गुरुद्वारे में रहा हूँ, उन्होंने मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी, वहाँ बैठने की इजाज़त दी, मुझे टाइम पे खाना मिला, और उस मुहर्रम अली पप्पू का मुझे तो ये योगी जी की सरकार में सब कुछ बढ़िया हुआ। आप कहते हैं सभा में सब कुछ गोलियां चलवा दी, सारे मुसलमान गंदे नहीं होते ऐसे ऐसे हर ऐसे ऐसे गंदे तो अपनी बात कर रहे हैं, ऐसे हर धर्म में अच्छे पूरे लोग। बाजी कुछ बोलना चाह रहे हैं? तुम्हारा रमन फुटवेयर की, मेरा नाम है गुरदीप सिंह। अच्छा योगी के राज में हर चीज सुरक्षित, औरतें सुरक्षित, बच्चियां सुरक्षित, हर चीज में आगे आ रही है, हर चीज सब कुछ बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। पहले क्या स्थिति थी? पहले तो गुंडागर्दी, लड़कियां औरतें निकल ही सकती थी घर से 24 घंटे, सारे कोई बलात्कार हो रहा, कोई कुछ हो रहा, कोई कुछ हो रहा, दुकानों की लुटाई हो रही, लुटाई हो रही थी। और अब जब सरदारों का हुआ था 200 दुकानें भुक दी इन्होंने, साइकिल वाले, और किसने भुकी है साइकिल? इसके राज में तो हुआ, समाजवादी पार्टी के राज में तो सारा धंधा काम ही है। उसके बाद कोई दंगा हुआ 5 साल में सपा के राज के अंदर? नासिर हसन रात को दुआ मंगन करते थे 10 बजे, आज 1 बजे दुआ मंगन करते हैं, क्यों सेफ है? इसलिए पता क्या है बीजेपी से दिक्कत क्या है? बीजेपी से दिक्कत उन लोगों को है जो बंदे लड़ाई झगड़े करते हैं, उन्हें है दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जय श्री राम, कमल का फूल खिलेगा और साइकिल में होगा पंचर। बहुत विकास हुआ है, गुंडा भ्रष्ट सब लोग खत्म हो गए हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया, हर व्यापारी सुरक्षित है, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है, किसान ठीक है ना? किसान भी ठीक है, सब किसानों को आंदोलन खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खराब था ठीक था, आंदोलन खत्म हो चुका है, आंदोलन का मुद्दा खत्म हो चुका है, आंदोलन का मुद्दा खत्म हो चुका है बिल्कुल। अभी तो बना रहे हैं दोबारा से फिर के भैया भले बिल वापस ले लिए लेकिन गुस्सा निशान तो होगा। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को बरगला रहे हैं और कुछ नहीं है। विकास हो गया, विकास चारों तरफ हो रहा है। अब यहाँ से आपको चंडीगढ़ जाना हो, दिल्ली जाना हो, पहले आपको चंडीगढ़ जाने में 5-5, 6-6 घंटे लगते थे, अब आप मात्र 1.5 या 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच जाते हो। इनका अंकल जी का सवाल मिलो, ये कहते हैं ना मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, कभी आप गोरखपुर जाके देखिए वहाँ पता चलेगा। ये बात तो तगड़ी गई, आप जाना गोरखपुर योगी जी के आसपास जाएगा वहाँ मुसलमान ठीक है। अरे 25,000 लोगों को जो मोदी जी ने मकान बनाया है, लगभग 25,000 लोगों में जिसमें 17-18,000 लोग इन्हीं के उसमें क्या अल्पसंख्यक उसमें पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग हैं। हाँ ये यही बात करी, मतलब बिना जात पात के मोहम्मद आरिफ फरहान गुलवार आवास योजना हमारा खुद आया मकान, अभिषेक मम्मी के नाम से आया, लता अभिषेक, हाँ जी हमारा खुद आया 2,50,000 रुपए, किसी से 1 रुपान दिया, किसी से 1 रुपया भी पहले का सिस्टम था अगर मिल जाता पहले का, अरे पहले खाते में सीधे आया, अरे हाँ खाते पहले क्या हो सकता था अगर
आया नहीं था, आता ही नहीं। अरे सरकार योजना बनाएगी तभी तो मिलेंगी। अरे ये तो सब देखो राशन जा रहा है सरकार से, देखो ये राशन जा रहा है, ये बटेगा, ये सबको मिलेगा। आपने तो कोठी भर ली और ये कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं, ऐसे कैसे बात चलेगी? मैं तो ये कह रहा कि ये भी सुरक्षित है। अगर इनके ऊपर कोई भी अतिक्रमण हमला करने आता है तो सबसे पहले बचाने हम ही लोग जाते हैं इनको। ये हमारे राज्य में सुरक्षित है, यहाँ पे इस चीज की खुद गवाही देंगे। फिर भी सभा समर्थक, अब तो माननी पड़ेगी आपको कि मतलब बीजेपी ने, उन्होंने भाई ने एग्जाम्पल दिया गोरखपुर का। मैं तो इस बात को समझता हूँ, जिस शहर में हम रह रहे हैं उस शहर के बारे में देखो आपकी, इस शहर में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। 2014 में दंगा हुआ था अरनपुर में, 2014 में दंगा हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, हमारी धार्मिक आस्था को आहट करा गया, हमला करा गया हमारी आस्था पे हमला करा गया। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी प्रदेश में बुला के उस आदमी को सम्मान देने का काम करती है जिसकी 2014 का दंगा का मास्टरमाइंड निकला मोहम्मद पप्पू। अरे सारणपुर उसके बारे में, देखो एक बुरा आदमी तो ये सारे बुरे थोड़ी है वो, और उस बुरे आदमी को फिर भी कह रहे बीजेपी, उस बुरे आदमी को प्रदेश में बुला के सम्मान देने का काम करती है समाजवादी पार्टी, और लानत ऐसी पार्टी पे, उसका खुल के विरोध होना चाहिए। सुनो, ये सिर्फ डिबेट कर रहे हैं, ये है हमारे साथ ही, चालीस साल हो गए इनके बीच में रहते हुए। मैं कह रहा हूँ इनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, मैं ये नहीं कहता इनसे बढ़िया आदमी कोई नहीं है, मैं तो नहीं बीजेपी को नहीं, अरे भाई मैं बीजेपी को नहीं, मैं समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं कह रहा कि मुसलमान के लिए कोई ना अलग से पैकेज होना चाहिए। ठीक है पैकेज, पर ये भी मांगेंगे अलग अलग पैकेज, ये भी तो मांगेंगे, ये भी ऐसा पैकेज नहीं मांग रहा, ऐसे पैकेज पारसी मांगेंगे। 2012 से 2017 तक इसकी सरकार थी, तब पैकेज नहीं मिला मुसलमानों को, तब पैकेज नहीं मिला सारे मुसलमान, फिर भी और योगी जी की सरकार आने में बिना नाम लिए, ठीक है, बिना जात पात देखे सबका विकास हुआ। उज्ज्वला योजना में कुछ दिन पहले कुछ घर मिले हैं, ठीक है, आयुष्मान कार्ड मिला है और दो बार राशन। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये सिर्फ डिबेट कर रहे हैं, ये है हमारे साथ नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ है वो, ये तो मेरा परिवार है, क्या बात कर रहे हैं, मैं तो अपने परिवार के साथ हूँ, सुनो परिवार के साथ बोलो, योगी जिंदाबाद बोलो, सुन लो। लेकिन यहाँ से जो बात निकल कर आई, सब लोगों से बातचीत की, और यहाँ हर तबके के लोग थे, सिख समाज से भी थे कई लोग, मुस्लिम भी थे, हैदर अली साहब थे, शर्मीम साहब थे, उन्होंने भी कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत इन्हें जो है फ़ायदा मिला और आवास योजना के तहत भी फ़ायदा मिला। यहाँ बीजेपी के कुछ समर्थक भी लग रहे थे जिन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन कुल मिलाकर ये साफ है कि सहारनपुर शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा नज़र आ रहा है। यहाँ जो मैंने बात की है, यहाँ तो वाकई ये चौक है, आसपास के लोग यहाँ गुजर रहे हैं, सबने अपनी अपनी बात की, लेकिन अब देखना ये होगा कि राजीव कुंभर जो बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी हैं वो कैसे संजय गर्ग को ताल ठोक कर जंग लड़कर जीत दिलाते हैं, नहीं देखने वाली बात होगी। अब दिलचस्प लड़ाई है, इस लड़ाई को कौन जीता है। कैमरामैन रवि आर्य के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, सहारनपुर। नमस्कार।